नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 5 आतंकी ढेर, आज तड़के भी एक दहशतगर्द मारा गया, इस साल 104 आतंकवादियों का सफाया। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर, कोऑर्डिनेशन के लिए 14 सीनियर नेताओं के साथ शाह नड्डा बनाएंगे स्ट्रैटेजी। अग्निपथ विवाद को लेकर रेलवे ने रद्द की 350 ट्रेनें, बिहार के 20 जिलों में आज भी बंद रहेगा इंटरनेट। ओवैसी के रांची पहुंचते ही लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एयरपोर्ट पर खड़ी भीड़ ने लगाए नारे। शाहजहांपुर में अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस पलटी, 13 यात्री घायल, लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे सभी यात्री। आगरा बार के बाउंसर्स ने फौजी को लाठी डंडों से पीटा, पुलिस पहुंची तो भाग निकले आरोपी। देवरिया में अग्निपथ के विरोध में पुलिस पर हमला, सिपाहियों ने भागकर बचाई जान, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, पेट्रोल पंप पर लूटपाट। कानपुर में बहू से गुस्साए ससुर ने पुलिस पर किए 45 राउंड फायर, पहले पत्नी बेटे बहू को बनाया बंधक, बचाने आए दरोगा, दो सिपाही भी जख्मी। सुल्तानपुर में जमीनी विवाद पर टूटा दबंगों का कहर, दबंगों ने महिला का हाथ तोड़ा, लगातार 2 दिन तक पीटा, वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कॉन्सर्ट के दौरान हंगामा, बीच चौराहे पर शूट आउट, पुलिस अफसर हुए घायल। इथियोपिया में अम्हारा समुदाय पर विद्रोही गुटों का हमला, 200 से अधिक लोग की मौत। पेगासस के बाद हर्मिट के निशाने पर नेता, पत्रकार और कारोबारी, साइबर सुरक्षा कंपनी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ताइवान पर अमेरिका से तनाव, चीन ने परमाणु मिसाइल को मार गिराने का किया सफल टेस्ट। ब्रिटेन के जनरल ने सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा, रूस को हराने वाली सेना बनाने की खाई कसम। साउथ अफ्रीका को घर में हराने का सपना चूर, बारिश के कारण 5वां T20 मैच हुआ रद्द, 2-2 से बराबर रही सीरीज। आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया को मिलेगा 3 दिन का ब्रेक, द्रविड़ अय्यर और पंत जाएंगे लंदन। नीदरलैंड क्रिकेट टीम का एक और दिग्गज खिलाड़ी ने छोड़ा साथ, ऑलराउंडर खिलाड़ी एवं पीटर सिलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। दूसरे वनडे मुकाबले में चला जेसन रॉय का बल्ला, इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराकर सीरीज पर किया कब्जा। श्रीलंका के विश्व कप विजेता खिलाड़ी रोशन महागवाने ने दिखाई दरिया दिली, आर्थिक संकट के बीच खुद से पेट्रोल पंप पर चाय परोसते दिखे। शमशेरा के पोस्टर लीक पर डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने किया रिएक्ट, बोले फैंस के रिएक्शन से मैं बेहद खुश हूं। विवादित सीन पर सफाई, डायरेक्टर अयान मुखर्जी बोले रणबीर ने जूते पहनकर मंदिर में नहीं किया प्रवेश, वो दुर्गा पूजा पंडाल था। जल्द शुरू होगा करण जौहर का कॉफी विद करण 7, करण ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। साउथ एक्टर यश पत्नी राधिका और बच्चों के साथ पहुंचे पेट सेंचुरी,
सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। रिलीज से पहले कोर्ट में होगी करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो की स्क्रीनिंग, कॉपीराइट मामले में अदालत ने दिया आदेश। पांच मिनट के 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।